हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नेम लर्निंग टू लर्न। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से 30 ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड। सो ये बेसिक से एडवांस लेवल पर हम जा रहे हैं। जैसे जैसे आगे जाएंगे क्वेश्चंस डिफिकल्ट होते जाएंगे। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्वेश्चंस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे दूंगी और बाई चांस आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर लिखने के बाद लिख सकते हैं कि मुझे समझ नहीं आया या इसमें अभी भी डाउट है, सो दैट आई विल सॉल्व दैट अगेन फॉर यू। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 21, विच इज वेरी वेरी सिंपल। इन विच लेवल ऑफ टीचिंग देर इज ऑप्टिमम स्कोप ऑफ कॉग्निटिव इंटरचेंज। हमारे लिए कीवर्ड हो जाएगा कॉग्निटिव इंटरचेंज, रिक्वायरिंग एनालिसिस एंड सिंथेसिस, एनालिसिस और सिंथेसिस। ओके, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंड लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल। तो अच्छा क्वेश्चन है, सोचो, आई विल गिव यू 5 seconds फॉर दैट। अगर आपने सोच लिया हो तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज रिफ्लेक्टिव लेवल, क्योंकि दैट इज द हाईएस्ट लेवल। सो अगर इसका पूरा मैं सीक्वेंस आपको बता पाऊँ, द फर्स्ट वन वुड बी ऑटोनोमस लेवल, ऑटोनोमस से मेमोरी लेवल, मेमोरी लेवल से अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड देन रिफ्लेक्टिव लेवल। सो दिस इज द हाईएस्ट लेवल। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 22, फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन गेट फोकस ऑन विच लेवल ऑफ टीचिंग। सो दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू लेवल्स ऑफ टीचिंग। आई विल गिव यू 5 seconds, जस्ट थिंक ऑफ इट। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑफकोर्स मेमोरी लेवल टीचिंग। ये मेमोरी लेवल टीचिंग में आता है, या जहाँ पर फैक्ट्स, इन्फॉर्मेशन, कोई भी चीज़ क्रैम करना हो, याद करना हो, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, इन द स्पेक्ट्रम ऑफ टीचिंग मेथड्स गिवन बिलो, विच आर कंसिडर्ड डायलॉगिक। डायलॉगिक मतलब जहाँ पे कम्युनिकेशन या संवाद ज़्यादा से ज़्यादा होता है। देर इज मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ कम्युनिकेटिंग, दैट टू वर्बल कम्युनिकेशन, क्योंकि यहाँ पे डायलॉगिक बोला गया है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा सोचिए, आई गिव यू 5 seconds, सोचिए और फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ इसका आंसर। ओके, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, तो लेबोरेटरी वर्क जो है वो उसमें टीचर ज़्यादातर कम्युनिकेट करता है, स्टूडेंट सिर्फ सुनता है। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन में स्टूडेंट कुछ बोलेगा, ठीक है, और टीचर सुनेगा। ट्यूटोरियल में टीचर और स्टूडेंट, टीचर कुछ बोलेगा, स्टूडेंट सुनेगा, फिर स्टूडेंट के डाउट्स आएंगे, डिस्कशन, हेल्दी डिस्कशन होगा। सो यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट दोनों कम्युनिकेट करेंगे। ग्रुप डिस्कशन में सारे स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं और टीचर उनको मॉनिटर करता है। और प्रोजेक्ट वर्क एक काइंड ऑफ प्राइवेट चीज़ हो जाती है, जहाँ पर 3-4 लोग मिलकर काम करते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन किस में इन्वॉल्व है, दैट इज सी एंड डी, ट्यूटोरियल्स और ग्रुप डिस्कशन में। सो सी एंड डी हमारे लिए सही आंसर हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है ये। इसमें आपको सिर्फ वो पॉइंट्स ढूंढने हैं या वो मेथड्स ढूंढने हैं जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा डायलॉग्स बांटे जाते हैं या ज़्यादा ज़्यादा कम्युनिकेशन, संचार का महत्व है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, इंटरैक्टिव एंड मल्टीमीडिया सिस्टम्स प्रोवाइड फॉर न्यू कल्चर ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, वर्चुअल क्लासरूम्स कन्वर्ट स्टूडेंट्स इनटू सेंसलेस ह्यूमनॉइड्स। ठीक है, अगर किसी को अंग्रेजी में नहीं समझ में आ रहा तो आप एक बार हिंदी में क्वेश्चन ज़रूर पढ़ लीजिएगा, सो दैट आपको ज़्यादा क्लियरिटी रहे। आई गिव यू 5 seconds, सोचिए इसको, वरना पॉज कर लीजिए वीडियो अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो, एंड देन ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, सेकेंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। यहां पर क्लासरूम कभी भी बच्चे को सेंसलेस नहीं बना सकता। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि भाई किसी क्लास से एक बच्चा बेवकूफ बनता जा रहा है, वो पॉसिबल नहीं है। अगर एक बच्चा क्लास को ध्यान से सुनेगा तो उससे उसको नॉलेज मिलेगी, उससे उसको कुछ और सीखने को मिलेगा। सो हियर दैट स्टेटमेंट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। हम उस स्टेटमेंट को कम्प्लीटली खारिज कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, इंटरैक्टिव और मल्टीमीडिया ने नए नए वेज प्रोवाइड किए हैं फॉर टीचिंग एज वेल एज लर्निंग। जैसे आज से 20 साल पहले या 30 साल पहले आप ऑनलाइन नहीं पढ़ पाते थे, बिकॉज वी डिड नॉट हैव द प्लेटफॉर्म ऑफ यूट्यूब और ऑनलाइन कंटेंट स्पेसिफिकली। बट राइट नाउ अभी हमारे पास ऑप्शंस हैं, इसीलिए हम ज़्यादा कम्युनिकेट कर पाते हैं, ज़्यादा सीख पाते हैं। दिस इज द न्यू थिंग वी गॉट, सो दैट इज वाई द करेक्ट आंसर फॉर दिस वुड बी स्टेटमेंट नंबर 3।
सॉरी ऑप्शन नंबर थ्री दैट इज स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट. मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 25, इन विच लेवल ऑफ टीचिंग द टीचर्स रोल इज मोर एक्टिव रादर देन इंटरैक्टिव. तो टीचर का रोल कहाँ एक्टिव ज़्यादा है, मतलब टीचर कहाँ एक्टिव है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है. पीडीएफ अगर आपने पढ़ी हो मेरी तो उसमें जो मैंने टेबल फॉर्मेट बनाया था फॉर मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, उसमें क्लियरली दिया हुआ है. तो द करेक्ट आंसर इज मेमोरी लेवल. मेमोरी लेवल में टीचर ज़्यादा एक्टिव होता है, वेयर एज रिफ्लेक्टिव लेवल में स्टूडेंट ज़्यादा एक्टिव होता है. स्टूडेंट प्राइमरी रोल प्ले करता है और टीचर सेकेंडरी रोल प्ले करता है. सो यू नीड टू रिमेंबर दैट. नेक्स्ट क्वेश्चन 26, विच ऑफ दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ टीवी एंड वीडियो. अब इसी तरह का एक क्वेश्चन लास्ट क्लास में मैंने करवाया था जहाँ पे हम 11 से 20 के क्वेश्चंस कर रहे थे. तो वहाँ पर एडवांटेजेस पूछे गए थे ऑफ वीडियो के, नहीं थे आई थिंक कोई और मेथड था, टीवी वीडियो के मेथड नहीं थे. आई थिंक इट वॉज फॉर ग्रुप डिस्कशन. येस, ग्रुप डिस्कशन का सेम क्वेश्चन था. ठीक है, तो आपको बस इसमें से एलिमिनेशन मेथड यूज करना है, यू विल गेट द आंसर. आई गिव यू 5 seconds. पार्टिसिपेशन ऑफ एवरीवन नहीं होगा, वो ग्रुप डिस्कशन में होता है, तो मैं ये एलिमिनेट कर सकती हूँ. बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज को आप ला सकते हो, येस, थ्रू वीडियोस. ज्योग्राफी और एस्ट्रोनॉमी ज़्यादा यूज होता है वीडियोस, येस. डेवलपमेंट ऑफ ओरल स्किल्स नहीं होता, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 and 3. तो सी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, द व्यू दैट टीचिंग लर्निंग सिचुएशंस में बी कैरेक्टराइज टू फॉल ऑन कंटिन्यूम रेंजिंग फ्रॉम मेमोरी लेवल टू रिफ्लेक्टिव लेवल वॉज एडवांस बाई. तो यहाँ पे प्रश्न ये उठता है या प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि भाई मेमोरी लेवल से लेके एडवांस रिफ्लेक्टिव लेवल तक का जो काम है, ठीक है, वो किसने एक्सप्लेन किया है. तो आपको सोचना है, समझना है और आंसर करना है. एक हिंट देती हूँ, हर्बर्ट मॉरिसन हंट. ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको इन तीनों के नाम याद हो, ठीक है, तो मॉरिस याद रखना, मॉरिस अलग है, मॉरिसन अलग है, बट ये सारा काम करने वाले मॉरिस सर हैं. तो मॉरिस इज द राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज कॉल्ड एज अ नेचुरल लर्निंग. ये मैंने अपने रिविजन क्लास में कवर करवाया है. अगर आपने रिविजन क्लासेस परचेज की हैं तो आपको पता रहेगा कि हम किसको नेचुरल लर्निंग भी कहते हैं. आई गिव यू 5 seconds फॉर दैट. द करेक्ट आंसर इज ऑटोनोमस लेवल. ऑटोनोमस लेवल इज द बेसिक लेवल. ये मेमोरी लेवल से भी पहले आता है और ये अभी अभी इंट्रोड्यूस किया गया है इन योर कोर्स करिकुलम. सो याद रखना, ऑटोनोमस लेवल सबसे पहला लेवल होता है. ऑटोनोमस के बाद मेमोरी, फिर अंडरस्टैंडिंग, फिर रिफ्लेक्टिव. सो यू नीड टू रिमेंबर दैट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, एन ओपन क्लासरूम एनवायरमेंट मार्क बाई शेयरिंग एंड केयरिंग बाई टीचर्स एंड स्टूडेंट्स इन दर इंटरचेंज विल बी मोस्ट हेल्पफुल फॉर विच लेवल ऑफ टीचिंग. तो यहाँ पर शेयरिंग इज केयरिंग, सॉरी शेयरिंग एंड केयरिंग, ये सब कहाँ पर यूजुअली सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है स्टूडेंट्स को, ये क्वेश्चन है. बहुत ही सिंपल है, सोचिए ज़रा. आई गिव यू 5 seconds. द करेक्ट आंसर इज रिफ्लेक्टिव, क्योंकि यहाँ पर हम प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, हम नए नए जर्नलाइजेशंस लगाते हैं, देर आर वेरियस थिंग्स गोइंग ऑन. सो हियर द करेक्ट आंसर वुड बी रिफ्लेक्टिव लेवल. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का. फिर हम जैसे जैसे वीडियोज अपलोड करते रहेंगे, आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के यू विल बी एबल टू डू मोर देन 100 क्वेश्चन लाइक दिस. ओके, अ मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन वेयर द इंस्ट्रक्टर बाई एक्चुअली परफॉर्मिंग एन ऑपरेशन और डूइंग अ जॉब शोज द स्टूडेंट वॉट टू डू, हाउ टू डू थ्रू एक्सप्लेनेशन ब्रिंग्स आउट वाई एंड वेयर इट इज डन. तो इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जो बच्चों को ये बताता है कि कोई चीज़ कैसे करनी है, क्यों करनी है, दिखाना है उसको. ठीक है, तो आप सोचिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. ये हमने हमारे रिविजन सेशन में किया हुआ है और इवन डिटेल सेशन में भी मैंने करवाया हुआ है. द करेक्ट आंसर इज डेमोन्स्ट्रेशन. जब हम डेमो देते हैं किसी को, जब हम प्रदर्शन करके दिखाते हैं, जैसे आपके स्कूल्स में स्पेशली लेबोरेटरीज में काफ़ी कुछ दिखाया गया होगा आपको, लाइक लिटमस पेपर से हम लोग अल्कलाइन नेचर का है या एसिडिक नेचर का है वो पता करते थे. सो वॉट इज दिस, दिस इज डेमोन्स्ट्रेशन. आई होप आपके मोस्ट ऑफ द आंसर सही आए हों. नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे 30 के बाद वाले, मतलब इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी डूइंग 31 to 40 questions. ओके, बाय एवरीवन, टेक केयर.